अब नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं, यहां पर क्वेश्चन है शो दैट, और ये थोड़ा लाइक बैचलर लाइक इंपॉर्टेंट है, मतलब बीएससी वगैरह में जो भी पढ़ रहा हूं, बीएससी है, बीए में भी होता है, फिजिक्स ऑनर्स, मतलब लाइक जितने भी है, कहने मतलब जो मैथमेटिक्स लेते हैं उनमें ये जो आता है, अगर सीक्वेंस उनके कोर्स में है, अगर वो रियल पढ़ रहे हैं, तो ये जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है. शो दैट सो दैट सीक्वेंस आर टू द पावर एन इज कन्वर्स टू जीरो. R to the power n is converged to 0 if mod of r which is less than 1. अगर mod of r जो होगा मेरे पास 1 से less than value होगी, तो मैं बोलूंगा यहां पर sequence जो होगी R to the power n होगी वो क्या होगी, कन्वर्स करेगी 0 पर. ये मुझे प्रूफ करना है, और ये इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर बीएससी कर रहे हैं आप तो लगभग इंपॉर्टेंट होता है ये. तो ये मुझे प्रूफ करना है. प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले फिर वही चीज करेंगे काम कि an को मैं लिख लूंगा यहां पर. सब में एक ही चीज मुझे करनी है, एक ही चीज करनी है, बस थोड़े तरीके अलग अलग होते जाएंगे. तो यहां पर मैं क्या करूंगा, an इसको मैंने कर लिया mod of r की पावर n, लाइक मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूं, ये सीक्वेंस है मेरे पास. हाँ, यहां पर मैंने ये ऐसा कर लिया, an इसको mod of r की पावर n, ऐसा कर लिया यहां पर मैंने. हाँ, अब मुझे क्या करना है, ये जीरो पे कन्वर्ज करेगी, ये जीरो पे कन्वर्ज करेगी. तो आप ये देख सकते हैं, पहले तो मुझे ये देखना है कि ये क्या गिवन है मुझे, इफ mod of r इज लेस देन वन, If mod of r is less than one, मतलब कि जो r की वैल्यू होगी वो 1 से क्या होगी, लेस होगी, 1 से क्या होगी, लेस होगी. अच्छा, मुझे कभी भी 1 से कभी लेस वैल्यू लेनी है, 1 से मुझे कम वैल्यू लेनी है, तो मैं क्या करूंगा, उस वैल्यू को किस टाइप से लिख सकता हूं, उस टाइप उस वैल्यू को कुछ ऐसे ही तो लिखूंगा. अगर मुझे 1 से कम लेनी है तो वो क्या होगी वैल्यू, अगर कुछ भी मैं x y z लाइक ऐसे लिखूंगा तो 1/2 होगी, 1/3 होगी, 1/4 होगी, 1/100 होगी, 1/something होगी, मतलब कुछ भी ऐसा ही आएगा. लास्ट में आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा ही आएगा. तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, आर की वैल्यू मुझे 1 से लेस लेनी है, 1 से लेस लेनी है, इसका मतलब क्या है, जो न्यूमरेटर होगा वो मेरे पास क्या होगा, 1 होगा, और डिनोमिनेटर जो होगा लाइक डिनोमिनेटर होगा उसकी वैल्यू न्यूमरेटर से ज्यादा होगी. मैं ऐसा कह सकता हूं, जो न्यूमरेटर होगा न्यूमरेटर से ज्यादा होगी डिनोमिनेटर की वैल्यू, तो मैं बोल सकता हूं कि उसकी जो वैल्यू होगी 1 से लेस देन होगी. तो यहां पर देखिए, मैं आर को लिख कैसे रहा हूं, सपोज There exists a positive number h which is greater than 0. यहां पर मैं एक h एक ऐसा नंबर ले रहा हूं कि अब मैं इसको लिखना चाहता हूं r को. तो आप देख सकते हैं मैंने r को लिख दिया, r इसको 1/1+h. देखिए, समझते जाना है आपको, केवल बस चीजें समझनी है आपको. r को मैंने क्या लिखा है यहां पर, r इसको 1/1+h. हाँ, अब आप यहां पर देखेंगे h को मैंने पॉजिटिव इंटीजर ले रखा है. तो अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी, ये पॉजिटिव इंटीजर अगर मैंने इसको ले रखा है तो पॉजिटिव में ही आएगा, और 1 से हमेशा लेस आएगा. तो यहां से ये चीज मैं बता सकता हूं इस चीज को कि r की वैल्यू मैंने ऐसा लाइक ले रखा है. अगर मैं यहां पर मॉड लगाऊंगा लाइक, या तो ऐसा करूंगा r की पावर n करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, 1/1+h की पावर n आएगा मेरे पास. लेकिन मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, 1+h की पावर n, मैं यहां पर इसे ऐसा भी लिख सकता हूं फ्रेंड. अब मुझे करना क्या होगा, मुझे ये करना होगा, वो कह रहा है कि जीरो पर ये कन्वर्ज करती है, जीरो पर कन्वर्ज करती है, तो मुझे क्या करना होगा, फिर वही अगर मैं डेफिनेशन लगाता हूं तो an minus l which is less than epsilon for all n is greater than equal to m, ये मुझे दिखाना होगा. तो पहले क्या करना होगा कि मुझे जो an है और L मतलब क्या है, यहां जीरो है, यानी कि mod of r की पावर n माइनस जीरो विच इज लेस देन epsilon दिखाना होगा मुझे. तो या तो मैं ऐसा करूं कि mod of r n की जो, या तो ये जो मेरे पास r की पावर n है इसकी जो बड़ी वैल्यू लूं और उसको लेस देन epsilon दिखा दूं, इसकी मैं सबसे बड़ी वैल्यू लूं और उसको लेस देन एप्सिलॉन दिखा दूं. तो मैंने यहां पर पहली बात तो आर को जो डिफाइन किया है कुछ ऐसा टाइप का दिखाया है, आर की पावर एन को जो डिफाइन किया है कुछ ऐसा दिखाया है मैंने. तो अब मैं इसको ना लेके इस पे बात कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, r की पावर n की बात ना करके मैं इसके पे वर्क कर रहा हूं. अगर मैं इसको अगर मैं दिखा दूं ऐसा कि ये जीरो पे कन्वर्ज कर रही है तो हम बोलेंगे कि ठीक है, तो मैं इसकी ना बात करके अब इस पे वर्क कर रहा हूं. तो बस मुझे क्या करना, मेरा काम है इसको इस पे फोकस करना, तो इस पे फोकस करना है. और मैंने बताया था आपको कि आपको क्या करना होगा, इसको इससे बड़ी वैल्यू लेनी है आपको,
इससे बड़ी वैल्यू लेनी होती है. an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन, मतलब an माइनस l जो मेरे पास आता है ना, आप क्या करिए an माइनस l जो मॉड ऑफ आएगा उससे बड़ी वैल्यू लीजिए उसी के अकॉर्डिंग, और फिर उसको लेस देन एप्सिलॉन कर दीजिए, उसको लेस देन एप्सिलॉन कर दीजिए, तो आपका काम पूरा हो जाएगा लगभग लगभग. तो यहां पर क्या करना है, यहां r की पावर n क्या है, ये है, इसको मुझे क्या करना है, इससे बड़ा पहले एक नंबर चूज कर लेना, लाइक मैं ऐसा कर सकता हूं. तो इससे बड़ा लेने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको दिखाना होगा, इस पे वर्क करना होगा. अब देखिए चीजें हमें रियल में ऐसे ही करना है, मैं आगे लिमिट में ही बताऊंगा और भी चीजें बताऊंगा. जब हम लिमिट वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले बड़े पे वर्क करेंगे, फिर छोटे पे, फिर छोटे पे, या मतलब कि एक तोड़ तोड़ के चीजें करेंगे तो आसान होती जाती हैं. हमको क्या करना है, इस पे वर्क करना है. तो यहां पर मैं जैसे लिख देता हूं r की पावर n इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस h की पावर n. अब यहां पर मुझे क्या करना है, हां मुझे सीक्वेंस ये है मेरे पास. अब ये मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इसको इससे कोई बड़ा नंबर ले रहा हूं और उसको अगर मैं लेस देन एप्सिलॉन दिखा दूं तो मेरा काम हो जाएगा लगभग लगभग. तो इसको बड़ा दिखाने के लिए मेरे पास इस पे वर्क करना पड़ेगा. तो मैं इसको अकेले में ले रहा हूं, लाइक कैसा, 1 प्लस h की पावर n. तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने यहां पर इसको ऐसा ले लिया, 1 प्लस h की पावर n. 1 प्लस x की पावर n का फॉर्मूला हम लिखेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन से, क्या होता है 1 प्लस nx होता है, यानी कि 1 प्लस nh होगा, nh होगा प्लस n n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर होगा प्लस एंड सो ऑन h की पावर, लाइक ऐसा जाएगा मेरे पास. तो यहां पर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं फ्रेंड. तो आप देख रहे होंगे साफ साफ कि यहां पर मैं ऐसा इसको लिख सकता हूं. तो हां अब आप एक चीज यहां देखेंगे कि ये जो 1 प्लस h की पावर n होगा ना वो इससे बड़ा होगा, ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है भाई, 1 प्लस h की पावर n है, ये इनको सबको मिला के बन रहा है. इसका मतलब क्या है, कोई एक टर्म अगर मैं पिक करूंगा तो एक या दो टर्म पिक करूंगा तो उससे तो हमेशा बड़ा होगा ना. तो यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज 1 प्लस h की पावर n विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस nh, क्योंकि h बहुत ही स्मॉल है मेरे पास. ओके तो यहां पर मैं ऐसा कर सकता हूं, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा, लाइक इसको ऐसा करूंगा 1 अपॉन 1 प्लस h की पावर n करता हूं तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है जैसे कि हम जानते हैं. तो क्या होगा मेरे पास, 1 अपॉन 1 प्लस nh. अब आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए मैं जो करना चाहता था ना बेसिकली वो मैं पहले बता रहा था आपको कि इसके इससे बड़ी वैल्यू मैंने ले ली, इसके अकॉर्डिंग मैंने एक बड़ी वैल्यू इससे चूज कर ली. अगर मैं उसको एप्सिलॉन से लेस देन दिखा देता हूं, और किस एन के लिए मुझे ये दिखाना होता है ना बेसिकली, तो वो चीज फिर मेरे पास प्रूफ हो जाती है. तो यहां पर मैं कह सकता हूं 1 अपॉन 1 प्लस h की पावर n व्हिच इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस nh, इससे बड़ा मैंने इसको दिखा दिया है. तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं कर रहा हूं फ्रेंड कि हाँ, तो आप देख सकते हैं यहां पर ये मैंने दिखाया 1 अपॉन 1 प्लस h की पावर n विच इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस nh. ओके तो मेरे पास r की पावर n क्या था, अब मैं अगर बात करूंगा r की पावर n की, तो लाइक मैं ऐसे r की, हाँ अब मैं सीक्वेंशियल मतलब सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाऊंगा, r की पावर n माइनस 0 इज इक्वल टू मेरे पास कुछ लाइक ऐसा आएगा 1 अपॉन 1 प्लस h की पावर n माइनस 0, तो वो सेम आ जाएगा, इज मॉड ऑफ है दिस इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस h की पावर n. हाँ अब इससे बड़ी वैल्यू मैं ये ले रहा हूं, इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस nh. तो आप देख सकते हैं मैंने इससे बड़ी वैल्यू, आपको हर क्वेश्चन में यही करना है लगभग लगभग कि इससे कुछ बड़ा दिखाओ और उसको एप्सिलॉन से लेस देन कर दो ताकि आसानी. हाँ देखिए अब यहां पर लेस देन ये चीज है, अब अगर मैं यहां पर लिखूंगा 1 अपॉन 1 प्लस nh और यहां पर अगर मैं एप्सिलॉन से इसको लेस देन दिखा रहा हूं, इसको मैं एप्सिलॉन से लेस देन कर रहा हूं, कब कर पाऊंगा मैं यहां पर, इफ मुझे क्या करना है, एक पर्टिकुलर टर्म लेनी है जिसके बाद सारी टर्म क्या आनी चाहिए, जीरो के नेबरहुड में आ जानी चाहिए. मतलब मैं यही स्टार्टिंग से भी बता रहा था आपको कि मुझे क्या करना हो, एन की वैल्यू क्या होगी, लाइक एन की कुछ किस टर्म के बाद सारी टर्म सीक्वेंस के उस जीरो के नेबरहुड में लाई कर जाएंगे. तो यहां पर मैं यहां लिखना चाहता हूं एन की किस वैल्यू के लिए, तो इसको अगर मैं हल्का से देखूंगा यहां पर तो ये मेरे पास आ जाएगा कुछ लाइक nh plus 1 is greater than 1 upon epsilon and n क्या आ जाएगा मेरे पास 1 upon epsilon minus 1 and ये आ जाएगा 1 by h. तो यहां पर आप देख सकते हैं n की किस वैल्यू के लिए यहां पर मैं कर सकता हूं ऐसा कुछ, n is greater than 1 upon h 1 upon epsilon minus 1, इसके लिए मैं ऐसा. तो अगर ये चीज होगा n, ये n है मेरे पास, ये चीज होगा तब ये चीज पॉसिबल है, मैं ऐसा दिखा सकता हूं. मतलब यहां पर क्या है कि आप h की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, एप्सिलॉन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, जब आप यहां पर रखेंगे तो कुछ टर्म आएगी, कुछ फाइनाइट टर्म के बाद क्या होगा, फिर ये क्या चीज क्या करेंगे, ये मतलब कि उसकी सारी टर्म
जीरो के नेबरहुड में आ जाएगी, जहां पर आप कन्वर्ज पॉइंट बता रहे हैं इस चीज को, तो उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट टर्म लाई कर जाएगी और कुछ फाइनाइट टर्म के बाद। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था आपसे। तो यहां पर क्या हो गया मेरे पास, ये ऐसा आ गया। तो मैं अब एक नंबर, मतलब कि एक टर्म एग्जिस्ट कर सकता हूं कि वो टर्म कुछ ऐसी होगी जिसके बाद ये सारी टर्म कहां, जीरो के नेबरहुड में आ जाएगी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, लेट स्मॉल एम बी अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर which is greater than this, this value, 1 upon small h, 1 upon epsilon minus 1. Okay, तो मैंने एक m लिया है जो इससे value बड़ी होगी। तो अब यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ last statement, like लिख सकता हूँ, like last step में क्या कर सकता हूँ मैं, this implies r की power n is minus 0 which is less than epsilon, which is less than epsilon for all, for all. अब यहाँ पर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, m is greater than this है, तो यानी कि क्या होगा, ये imply करेगा like n is greater than small m, यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास आ गई कंडीशन, इसका मतलब क्या है, r की पावर n जो होगा वो जीरो पे कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ फ्रेंड, hence r की पावर n लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी क्या होगा, जीरो होगा। तो हालांकि ये कंपटीशन में तो नहीं पूछने वाला है, कहीं नहीं पूछने वाला, लेकिन हाँ बीएससी जो कर रहे हैं उनके एग्जाम में आ सकता है, उनके एग्जाम में आ सकता है, आने के चांसेस है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो लिमिट एंड टेंड्स टू इनफिनिटी r की पावर n इसको तो जीरो होगा। अब यहां पर मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं, r की वैल्यू अगर 1 से लेस होनी चाहिए, लाइक 1/2 की पावर n की बात करें, एग्जांपल हो गए जैसे 1/3 की पावर n बात करें, या 1/4, 1/2 कुछ भी हो, कहने वाला भाई अगर वो r लेस देन 1 है ना, तो पक्का क्या होगा, जीरो पे टेंड करेगी। आप देख सकते हैं लिमिट एंड टेंड्स टू इनफिनिटी करेंगे आप, 1/2 की पावर n है, थोड़ा सही से डिफाइन किया, मतलब कुछ भी दिया रहेगा ना, तो उसको सही से आप डिफाइन करो। सबसे पहले आर की पावर एन किस टाइप का होगा, आर किस टाइप का होगा, 1/1 प्लस एच टाइप का होगा, एच इज ग्रेटर देन 0 मैंने लेके चला था, फिर मैंने 1/1 प्लस एच की पावर एन किया, उसको मैंने बड़ा दिखाने की कोशिश करी। तो उसको बड़ा दिखाने के लिए मैंने किस पे वर्क किया था, 1 प्लस एच की पावर एन पे वर्क किया था, और उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन किया था, उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करके फिर मैंने क्या किया था, फिर इनइक्वालिटी से लाइक उसमें बड़ा दिखाया था मैंने, और फिर उसके बाद मेरे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी, 1/1 प्लस एच की पावर एन इज लेस देन इक्वल टू 1/1 प्लस एन एच, और फिर यहां पर मैंने क्या किया है, फिर इसको जैसे ही मैंने यहां पर इससे बड़ा एक नंबर दिखाया हल्का सा, फिर मैं यहां पर ऐसे डेफिनेशन अप्लाई कर सकता हूं। मैंने जैसे अप्लाई करी, फिर मैंने लेस देन एप्सिलॉन किया, ये कब हो सकता है, जब यहां एन की वैल्यू इससे बड़ी होगी। मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए, मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके बाद सारी टर्म उसके नेबरहुड में आनी चाहिए, मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके बाद सारी टर्म उसके नेबरहुड में, जहां कन्वर्जन में पॉइंट बता रहा हूं उसके नेबरहुड में सारे सीक्वेंस के टर्म आ जाने चाहिए। तो वो इसके लिए ये चीज डिफाइन कर रहे हैं, इस चीज के लिए हम लोग वो सब कर रहे हैं, जो चीज कर रहे हैं वो इस चीज के लिए कर रहे हैं फ्रेंड। तो साफ साफ ये चीज ध्यान रखेंगे कभी भी प्रूफ में कि हम कर किस ले रहे हैं, हम लोग इस चीज के लिए, इसको फाइन करने के लिए कर रहे हैं वो चीज, तो ये याद रखेंगे। तो मतलब उस स्मॉल एम को पाने के लिए हम लोग ये चीज कर रहे हैं फ्रेंड। तो ये मेरे पास ऐसा प्रूफ।